उधर जॉर्डन के खेल महाकुंभ में एक बार फिर से हरियाणा की बेटियों ने अपने दांव से दुनिया को चकित कर दिया है और बेटियों में कुश्ती के दंगल में ऐसा परचम दिखाया बेटियों ने कि पूरा स्टेडियम भारत माता की जयकारों से गूंजने लगा। विदेशी धरती जय हो की गूंज साक्षी बनी, तो नजारा कैसा था हमारी खास रिपोर्ट में देखिए। मंजिलों की तलाश में उत्साह से निकल पड़े, रास्ते ढूंढकर हम सब चल पड़े, मिलेगी हमें मंजिल मन में ठान हम चले, मुस्कुराते हुए जुनून के साथ घर से निकल पड़े। बाहरी छोरियां भी विदेशी धरती पर रंग तरंग तिरंगे को शान से ऊंचा उठाने के लिए निकली तो जोश हाई था। जॉर्डन का दंगल, बाहरी छोरियों के दांव, देश के लिए सोना, कांस्य की पटखनी। जॉर्डन में आयोजित एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में हरियाणा की बेटियों ने जॉर्डन के दंगल में ऐसे दाम दिखाए कि विदेशी खिलाड़ियों के होश फाफता हो गए। मारी छोरियों के हौसलों के साथ विदेशी खिलाड़ियों के हौसले ढेर हो गए। खेल नगरी के नाम से सुप्रसिद्ध भिवानी जिले के गांव मढ़ाना की बेटी पूजा ने अंडर 15 के 36 किलो भार वर्ग में गोल्ड पर कब्जा किया, तो सोनीपत के गांव भदाना की बेटी संध्या ने कांस्य पदक के साथ देश का नाम रोशन किया। संध्या ने अंडर 15 और 20 में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया, तो दोनों बेटियों के गांव में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। फूल मालाओं और ढोल नगाड़ों के साथ बेटियों का जोरदार स्वागत किया गया। जनता टीवी की टीम ने विजेता खिलाड़ी संध्या से बात की। उन्होंने कहा कि इस प्रतियोगिता के लिए सुबह शाम कड़ी मेहनत की, जिसके बाद एशियन चैंपियनशिप में मेडल हासिल किया। अब मेरा सपना ओलंपिक खेलकर देश के लिए मेडल जीतना है। गोल्डन 11 जुलाई से 15 जुलाई तक रेसलिंग के दिन। हाँ। कौन सा मेडल आया आपका? ब्रॉन्ज। कितनी मेहनत करनी पड़ी इस मेडल के लिए? मेहनत तो बहुत करनी पड़ी। अब क्या कैसी खुशी है, इतना अच्छा आपका सम्मान गांव में हो रहा है? खुशी तो बहुत हो रही है। आगे क्या सपना है, क्या आगे? ओलंपिक का टारगेट। कितनी मेहनत करनी पड़ती है प्रतिदिन यहाँ तक पहुँचने के लिए? मेहनत बहुत करनी पड़ती है क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। कितने देशों के पहलवान आए थे? 7। कितनी कितनी आपकी टोटल फाइट हुई थी इस गेम में? 4। संध्या की कोच सीमा ने शानदार प्रदर्शन की तारीफ करते हुए कहा कि संध्या ने पहली बार ही चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई किया था और उसकी मेहनत के बतौर ही वो कांस्य पदक जीत कर वापस लौटी है। हमारी एकेडमी की संध्या 54 किलो भार वर्ग में उसने भाग लिया और बड़ी खुशी हो रही है। उसने फर्स्ट टाइम ट्रायल दी और बाहर से देश के लिए मेडल जीत के लेके आई। हमारे लिए, हमारे देश के लिए और इस गांव वासियों के लिए बहुत ही खुशी की बात है। सर दोनों टाइम सुबह 3 घंटे, शाम को 3 घंटे प्रैक्टिस करती है और बहुत ही सिंसियर बच्ची है। घर वाले भी काफी सपोर्टिव हैं, तभी जाके हम किसी मुकाम पे पहुंचते हैं। दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं जिसके जीवन में विपरीत परिस्थितियां नहीं आती हैं, परंतु कुछ लोग बुरी से बुरी परिस्थिति से सफलता पूर्वक लड़के कठिन से कठिन परिस्थिति से बाहर आ जाने की क्षमता रखते हैं। इन बेटियों ने भी परिस्थितियों को मात देकर विदेशी धरती पर गर्व से भारत माता का झंडा लहराया है। सोनीपत से कपिल शर्मा, भिवानी से दीपक मुटरेजा की रिपोर्ट।